रूस यूक्रेन युद्ध का जब आगाज हुआ तब रूस ने यूक्रेन को मिट्टी में मिला देने की चेतावनी दी थी, लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन को अमेरिका समेत नेटो देशों का सहयोग मिलना शुरू हुआ, यूक्रेन रूस को बराबर की टक्कर देने लगा। इसके साथ ही पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए, जिससे रूस पूरी तरह से कमजोर हो जाए। इस युद्ध को शुरू हुए 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया। इस दौरान तरह तरह के मोड़ आए, लेकिन अब जो खबर आई है वो यूक्रेन समेत तमाम नेटो देशों को गंभीर चिंता में डालने वाली है। दरअसल फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन में अपने सशस्त्र बल भेजे थे, उसके बाद से ही रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन ने 11 प्रतिबंध लगाए थे। अब यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों ने ये कहा है कि यूक्रेन में संघर्ष की समाप्ति के बाद भी ये प्रतिबंध आगे तक जारी रह सकते हैं। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि इससे रूस के तेवर में नरमी आएगी, लेकिन रूस तो कहीं से डिगता हुआ नहीं दिख रहा है। क्रेमलिन ने खुले रूप से ऐलान किया है कि पश्चिमी देश चाहे तो और प्रतिबंध लगा ले, रूस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। रूस की अर्थव्यवस्था पश्चिमी प्रतिबंधों को सफलतापूर्वक मात दे चुकी है और आगे भी कोई डर नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस काफी समय से इस तरह के प्रतिबंधों के तहत रह चुका है, हमने इसके लिए खुद को ढाल लिया है, इसलिए हमें डराओ मत। अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति को लेकर रूस का तर्क है कि प्रतिबंधों ने उल्टे घरेलू औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद की है, और साथ ही ये भी कहा कि यूक्रेन के खिलाफ आगे के अभियान में कोई रुकावट नहीं आएगी। प्रतिबंधों के बावजूद इसकी बढ़ती आर्थिक ताकत के एक अहम कारण को भी समझ लेते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने रूस से तेल का आयात प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन यूरोपीय यूनियन रूसी तेल और गैस आयात पर इतना बुरी तरह से निर्भर था कि उसने मॉस्को से खरीदारी जारी रखी। विकासशील देश तेल की बढ़ती कीमतों से बुरी तरह प्रभावित हुए, लेकिन भारत ने इस मौके को लपका और रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदा। चीन और अन्य कई देशों ने भी यही किया। इसका नतीजा ये हुआ कि रूस ट्रेड सरप्लस में चला गया। रूस की अर्थव्यवस्था 2022 में गिरी जरूर, लेकिन महज 2.2%। इसके बाद 2023 के दूसरे क्वार्टर में 4.9% तक का उछाल भी आया। प्रतिबंधों और रूस के लगभग आधा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फ्रीज करने के बाद भी रूस के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि रही। प्रतिबंधों के बाद ऐसा कहा गया था कि रूस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन आज की सच्चाई इसके उलट नजर आ रही है। रूस की इकोनॉमी बिखरी नहीं, बल्कि आज यूरोप के कई देशों से भी मजबूत स्थिति में खड़ी है। रूस यूक्रेन के युद्ध का अंजाम क्या होगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन ये तो तय है कि रूस ने अपने खिलाफ जा रही बातों को अपने हक में मोड़ने में सफलता जरूर हासिल कर ली है।